स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोलॉजिकल एप्लेसिया में। इस वीडियो में TGT 2020 में आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें और नोटिफिकेशन का प्रेस करें, ठीक है। तो जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। टॉप 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि स्पर्मेटोकोनिया के बीच में पाई जाती है। तो इसका आपका पहला आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे है आपका सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है। तो सर्टोली कोशिकाएं जो होती है स्पर्मेटोकोनिया के बीच में पाई जाती हैं, जो टेस्टिस में पाई जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि प्रसव जो पर्टुरेशन के समय जो प्रसव पीड़ा होता है, लेबर पेन होता है, उसमें जो हार्मोन काम करता है तो वो कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रसव पीड़ा होती है यानी लेबर पेन होता है तो उसमें जो हार्मोन काम करेगा तो उसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव मेहोद के आधार पर प्लेसेंटा जो है वो उसकी उत्पत्ति जो है वो किस आधार पर हुई है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ठीक है। तो मनुष्य में जो औद्गि के आधार पर प्लेसेंटा होता है वो हीमोकोरियल प्लेसेंटा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि जीन पूल या जीन कोष है, तो जीन पूल किसको कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, एक ही जाति पर जीन की समिष्ट के जीन का योग, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ही स्थान पर जाति की समिष्ट के जीन का योग ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूटेशन में मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो जो म्यूटेशन होता है उत्परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप जीवों में जो विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं तो उसी का जो कारक होता है वो म्यूटेशन होता है, ठीक है। तो म्यूटेशन के कारण जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, तो इसीलिए इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम जो होगा वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका, पहला पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, ठीक है। यहाँ पर मीसो जो इरा दिए गए, काल दिए गए, इसमें सारे दिए गए मीसोजोइक सीनोजोइक, ठीक है। तो मीसोजोइक में शरीर स्राव और सीनोजोइक में स्तनियों का जो उत्पत्ति हुई तो उसी आधार पर इसको सही क्रम में लगाया गया, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कभी कभी भ्रूण कोष में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, क्रिप्टार्किडिज्म। तो इसमें ये जो भ्रूण होते हैं मेल्स में टेस्टिस होते हैं, उसमें टेस्टिस का स्थानांतरण यानी पूल परिपक्व नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए जो वो कोई भी व्यक्ति होता है तो उसमें नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है, इम्पोटेंसी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो इसी अवस्था जो उत्पन्न होती है तो उसको हम क्रिप्टार्किडिज्म के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है पूर्णतया जरायुज बाइविपेरस है। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्णतया जराय यानी बाइविपेरस जो बच्चे देने वाले जो जीव हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे तो ऑप्शन में दिया गया अस्थिर मछलियाँ यानी बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, शार्क, वेल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो बेल्स होती हैं वो स्तनी होती हैं, ठीक है, पूर्णतया बाइविपेरस होती हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए वाटिका मटर के सातों गुण बुद्धिमान थे, तो वो किस में थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणसूत्र के सात जोड़ों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडेलियन के पुनर्योजन का जो कारण है वो क्या है, ठीक है। तो 10 का आंसर आपका सही हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन।
तो 10 नंबर का क्वेश्चन डी सही हो जाएगा ऑप्शन इसका, स्वतंत्र अभियोन इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका विज्ञान और आनुवंशिकी को मिलाकर साइटोजेनेटिस्ट किसने बनाया था? ठीक है, तो कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को मिलाकर साइटोजेनेटिक्स किसने बनाया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टीएच मॉर्गन ने। काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है टीजीटी के लिए। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखेंगे कि अधिकांश जंतुओं में लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके बाद होता है? ये ऑप्शन में दिया, जन्म के समय, जन्म निषेचन के समय, या निषेचन के बाद, या किसी भी अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, निषेचन के बाद या फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, लिंग निर्धारण होता है जंतुओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन्स जो होता है वो कौन सा है? तो प्लेसेंटा द्वारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, HCG। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों के भ्रसण यानी टेस्टिस को कैसे पहचाना जाता है? तो उसमें इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, सर्टोली कोशिका, जो पहले ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका जो होती है उसके द्वारा स्तनधारियों के टेस्टिस को पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीर स्कंदन यानी कोगुलेशन का जो निरोधन होता है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइब्रोलाइसिन। ठीक है, फाइब्रोलाइसिन जो एंजाइम होता है बीर का कोगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चायगोट के प्रथम विदलन यानी कि फर्स्ट जो क्लेवेज होता है, विदलन के समय होने वाले उत्परिवर्तन कहलाते हैं देन। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, युग्मनजी उत्परिवर्तन, यानी जायगोट में कोई भी विदलन होगा तो जायगोटिक म्यूटेशंस हो जाएंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डीएनए के एक नाइट्रोजन क्षारक का स्थान कोई किसी अन्य क्षारक ले लेता है या किसी अन्य क्षारक को दे दिया जाता है तो यहाँ पे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे डिलेशन। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य में 5 के स्थान पर अगर 6 उंगलियाँ किसी कारणवश आ जाती हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, अविच्छिन्न विभिन्नता या फिर डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुणसूत्री विपन्न यानी क्रोमोसोमल एबेरेशन जो होता है वो इसकी प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है, गुणसूत्रों पर जीन की संख्या में कमी होती है, गुणसूत्रों पर जीन की संख्या में वृद्धि होती है, या गुणसूत्र पर जीन के क्रम में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, जीन की संख्या में कमी भी होती है, जीन की संख्या में वृद्धि भी होती है, और जीन की संख्या में कमी और वृद्धि होगी तो क्रम में भी परिवर्तन होंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कोरकपुटी रूपांतरित कोरकपुट कंदुक है, तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ब्लास्टुला, मोरुला और ये न्यूरुला जो स्टेजेस होती हैं उसमें इसको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, कोरकपुटी रूपांतरित कोरक कंदुक है अप्रास्तनी यानी कि प्लेसेंटा जो होता है, ठीक है, जिनमें प्लेसेंटा पाया जाएगा तो उसका रूपांतरित कोरक कंदुक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोरक रंध्र जो होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो कोरक रंध्र होता है न्यूरुला अवस्था में पाया जाता है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रोसेस है एक, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य चरण एवं अंत चरण के अंतर्वेशन से कौन सी गुहा बनती है, यानी कि मीजोडर्म और एंडोडर्म के जो सम्मेलन से जो गुहा बनती है, कैविटी बनती है, उसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर आघांत बोला जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूणी परिवर्धन के समय अग्नाशय एवं यकृत किस जनन स्तर से बनते हैं? तो यहाँ
पे जो क्वेश्चन पूछा गया अग्न्याशयन पैंक्रियास और लीवर, तो इसका जो आंसर हो सही हो जाएगा दूसरा, इंडोडर्म यानी कि अंताचर्म से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पैराथार्मोन की कमी से क्या होता है, तो पैराथार्मोन की कमी से हाइपर कैल्शियमी हो सकता है, हाइपोकैल्शियमिया भी हो सकता है, ग्वाइटर यानी कि गेंगा भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का कि गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंडाशय से या फिर ओवेरी से। ठीक है, ओवेरी से, तो ओवेरी से इसका स्रावण होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिसन का रोग उत्पन्न होता है जो किससे होता है, तो एडिसन का रोग एड्रिनल कॉर्टेक्स जो पार्ट होता है एड्रिनल ग्रंथि का, दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला होता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, तो इसके निम्न श्रावण यानी कि कम श्रावण से इसका जो हार्मोन्स होता है कम श्रावण से एडिसन का रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 27 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि पैराथार्मोन प्रेरित करता है, तो पैराथार्मोन क्या प्रेरित करता है, सीरम कैल्शियम स्तर में वृद्धि। ठीक है, यानी कि आपका सीरम जो होता है उसमें कैल्शियम स्तर में वृद्धि करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि कौन सा स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसमें स्टीरॉयड नहीं पाया जाता है, तो कौन सा है, एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे ऑप्शन का डी सही हो जाएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है इसमें मतलब स्टीरॉयड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एस्ट्रोजन का श्रावण कहाँ से होता है, तो एस्ट्रोजन का श्रावण एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कभी TGT में कई बार पूछा गया है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन उत्पादक लैंगरहंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्न्याशय में या फिर पैनक्रियाज में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि महाकायता या अग्रातिकायता का कारण है, यानी एक्रोमिगेली जो होता है वो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि के अतिश्रावण से, यानी कि इसमें HGH जो ह्यूमन जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स HGH, इसका जो श्रावण होता है वो अधिक हो जाता है, इसीलिए महाकायता यानी व्यक्ति अधिक सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है, उसके शरीर में वृद्धि देखने को मिल जाती है, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि का अतिश्रावण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाशय में निषेचित नंदे का चिपकना किससे प्रभावित होता है, तो गर्भाशय में जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं वो किसके द्वारा चिपके रहते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसके द्वारा निषेचित अंडे चिपके रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीटवच्छी कांटेदार कीटवच्छी होता है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का स्तनी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया का स्तनी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित समुच्चय सेट में कौन सा एक ही संघ से संबंध है, तो यहाँ पे चेक करेंगे जो अमीबा जो होता है यहाँ पे प्रोटोजोआ से होता है, हाइड्रा जो होता है सिलेंट्रेटा से होता है। ठीक है, पैरामीशियम ये भी आपका किससे हो गया, प्रोटोजोआ से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो फाइलम आ गए हैं, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके चमगादड़ जो होता है वो कार्डेटा आता है, कार्डेटा कबूतर भी कार्डेटा और केचुआ ये नेलिडा में आ जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोता ऑप्शन जो है तोता दिया गया कार्डेटा में आता है, मक्खी आर्थ्रोपोडा में आती है, जो कि नेलिडा में, तो इसके सारे फाइलम अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। लास्ट वाला आपका आंसर सही हो जाएगा, तिलचट्टा काकरोच खटमल और मच्छर, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट है एक ही फाइलम यानी कि एक ही संघ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन का जो स्रावण होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है, जो माइंड में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। तो उस ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन का स्रावण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ठीक है। 36 क्वेश्चन नंबर के, सीक्रेटिन का स्रावण कहाँ से होता है? सीक्रेटिन जो पैंक्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सी से ही हो जाएगा, क्षुद्र आंत से, ठीक है, आंत्र से और अग्नाशय को प्रेरित करता है, यानी अग्नाशय की क्रियाशीलता को एक्टिवेट कर देता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वंशागति यानी कि हेरिटेबल नहीं होते हैं। तो सभी पता है जो कायिक परिवर्तन होते हैं यानी कि वेजिटेटिव, वो वंशागत नहीं होते या हेरिटेबल नहीं होते, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कायिक लक्षण नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? इसके कारण जो उत्पन्न रोग है उसका उदाहरण क्या है, सबसे अच्छा उदाहरण? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाशियाकार जो है सिकल शेप्ड जो RBC होते हैं वो हो जाते हैं सिकल शेप्ड, और यहाँ पे एनीमिया उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ठीक है रुधिर कम हो जाता है बॉडी में। तो बिंदु में यानी कि पॉइंट म्यूटेशन का ही अच्छा उदाहरण दिया गया, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि एपिनेफ्रिन जो है वो क्या काम करता है? तो एपिनेफ्रिन जो है वो एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है तथा हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे हृदय की धड़कन को यानी कि हार्ट बीट को इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये एड्रिनल मेडुला हो गया, तो एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है वो हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिशु के जन्म के समय गर्भाशय का जो संकुचन होता है, नहीं ये पहले इससे पहले ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि गर्भाशय में जो मतलब लेबर पेन होता है वो किसके कारण होता है, तो वही वाला आपका क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन पहले क्या सही था? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्लियर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आनुवांशिक विचलन यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट मिलता है, किसमें मिलता है? पौधों की समिष्टि यानी पौधों की पॉपुलेशन में, जंतुओं की पॉपुलेशन में, या बड़ी समिष्टि जहाँ यदाच्छ संगम हो, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ये सिद्धांत किसने दिया था कि जीवों की संख्या में वृद्धि खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। तो ये सिद्धांत किसने दिया, जीवों की संख्या में वृद्धि जो होती है वो खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, यानी कि खाना कम हो जाता है और खाने वाले अधिक हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले ऑप्शन आपका डी आएगा, सॉरी सी, माल्थस वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अजगर के अवशेषी अंग कौन से होते हैं? तो अजगर के अवशेषी अंग यहाँ पे देखेंगे, नाक तो हो ही नहीं सकता है, सलके भी नहीं हो सकती हैं और दांत भी नहीं हो सकते थे। पश्चपात दिया गया तो फिर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चपात जो है वो अवशेषी अंग होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो बाहर से दिखाई नहीं देते लेकिन बॉडी में विलीन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे योगी कौन से जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में सबसे पहले उत्पन्न हुए होंगे? तो यहाँ पे देखते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पे क्या काम करेगा? प्रोटीन यहाँ आपको आपका काम करेगा बॉडी को बनाने में, बॉडी की संरचना को पूरा करने में, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आपका काम करेगा हेरिटेबल कंडीशन, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि हार्मोन व एंजाइम में मुख्य समानता क्या होती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों बार बार प्रयोग होते रहते हैं। ठीक है, जब खाना खाते हैं तो एक बार एंजाइम तो लगते ही हैं, दोबारा खाना खाते हैं दोबारा ही एंजाइम का प्रयोग होता रहता है। इसी प्रकार जो हार्मोन्स भी होते हैं तो हार्मोन्स भी बार बार प्रयुक्त होते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दोनों बार बार प्रयोग होते रहते हैं। अगला ऑप्शन देखें, सॉरी अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कैल्शियम व फास्फोरस का जो उपापचय का नियंत्रण है वो हार्मोन कौन सा है जो इसको नियंत्रण को, मतलब जो हार्मोन्स है वो कहाँ से स्रावित होता है जो उपापचय को नियंत्रण करता है कैल्शियम एवं फास्फोरस के। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, पैराथायराइड ग्रंथि से। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि जो गले में होती है, थायराइड ग्रंथि, उसमें छोटे छोटे जो लोब्स होते हैं उसको पैराथायराइड ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, वहाँ से जो हार्मोन निकलता है वो कैल्शियम एवं फास्फोरस को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी हार्मोन जो होता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो उसके कम श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है, तो फिर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उंदक में, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या होता है कि जो मूत्र जो होता है आपका, यूरिन होता है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे बॉडी में जल की कमी होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक ही हार्मोन के कई नाम हो सकते हैं, तो एक हार्मोन के कई नाम हो सकते हैं, ऐसा कौन सा हार्मोन है, सीक्रेटिन एंड, ये वाला देखेंगे पहला ऑप्शन कि सीक्रेटिन एंटेरोकाइन, ये अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, एडीएच, पिट्रेसिन और वैसोप्रेसिन, ये एक ही हार्मोन के नाम है यहाँ। ठीक है, जो जल का संतुलन बनाए रखते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ होती है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर रोग हो जाता है। ग्वाइटर रोग जो होता है वो थायराइड ग्रंथि में होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आयोडीन का कंट्रोल करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा जो होगी वो कहाँ पे पाई जाएगी, थायराइड ग्रंथि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जो ग्रंथि है बहिस्रावी, यानी कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा,